फर्स्ट है बीएससी पास सेकंड के, इसमें हमने लिमिट कंटिन्यूटी और अवकलनीयता के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में इससे आगे कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। इसमें सबसे पहले आता है कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त। इसके लिए एक थ्योरम है, इसके अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त क्या है। किसी बिंदु पर अवकलनीय फलन आवश्यक रूप से संतत होता है, यानी कोई भी बिंदु है यदि अवकलनीय फलन है तो वो आवश्यक रूप से संतत होता है, किंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है, अर्थात इसके विलोम का सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई फलन संतत है तो उसका अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि इस प्रमेय का अवकलनीय फलन है तो संतत है, लेकिन संतत है तो अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, ये हमारी प्रमेय है। तो सबसे पहले तो हम इसके आवश्यक प्रतिबंध पर आ जाते हैं कि हम अवकलनीय फलन ले रहे हैं तो हमें सिद्ध करना है कि ये संतत होता है। तो यहाँ पर इसका प्रूफ है, माना एफ अंतराल ए बी में परिभाषित कोई फलन है तथा इस अंतराल के किसी बिंदु, जो हमारा ए बी अंतराल के किसी बिंदु पर, यहाँ भी हमने प्रमेय में लिखा है किसी बिंदु पर, तो इस अंतराल का इस कोई भी बिंदु हमने एक सी ले लिया और सी पर ये क्या है अवकलनीय है। सी पर अवकलनीय है तो अवकलन की परिभाषा से एफ डैश सी बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस के एफ सी अपॉन एक्स माइनस के सी, ये कैसी राशि होनी चाहिए, एक परिमित राशि आनी चाहिए, इसको हम नंबर एक दे देते हैं। अब हम क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी को हमें लिखना है, इसको क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी और इंटू एक्स माइनस सी। इसमें हमने क्या किया है, एक्स माइनस सी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि इस रूप में लाने के लिए फिर हमने लिमिट लगा दी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस के एफ सी बराबर इधर भी लिमिट लगा देंगे तो एफ एक्स माइनस के एफ सी और ये आ जाएगा एक्स माइनस के सी, इस पर भी लिमिट लगा देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा लिमिट एक्स माइनस के सी। अब इससे आगे जब सॉल्व करते हैं इसको तो क्या आएगा, हमारी जो दी गई है लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस के एफ सी बराबर, यहां से इसका जो मान आ जाता है हमारा कि एफ डैश सी हो गया, इसका मान ये एफ डैश सी, इसकी परिभाषा से ये मान हमारा, ये पूरा मान आ जाएगा और इनटू एक्स टेंड्स टू इसमें सी लिमिट लगाएंगे तो इसका जीरो आ जाएगा, तो बराबर मान कितना आ जाएगा जीरो, यानी कि इसका मान हमारा जीरो के बराबर आ जाता है। जीरो के बराबर आया तो हम ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट या लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा एफ सी के बराबर आ जाएगा, अतः यहां से ये आ जाएगा, अतः फलन एक्स इक्वल टू सी पर संतत है। हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी अवकलनीय फलन दिया गया है तो वो संतत आवश्यक रूप से होगा, ये हमने इसमें प्रूव कर दिया। लेकिन इसी प्रमेय में इसका विलोम के लिए कहा गया है कि विलोम के यदि संतत फलन है तो क्या वह अवकलनीय होगा, ये हम प्रमेय में लिख चुके हैं कि ये आवश्यक नहीं है, तो इसका विलोम और इसको एक उदाहरण से करेंगे। क्या उदाहरण है कि फलन एफ एक्स
टू मॉड एक्स, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, बिंदु एक्स इज इक्वल टू जीरो पर संतत है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर संतत है, इंटू अवकलनी नहीं, यानी कि ये हमने जो फलन लिया है ये फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आई, बिंदु एक्स इज इक्वल टू जीरो पर संतत है किंतु अवकलनीय नहीं है, यानी हमें ये प्रूव करना है कि ये एक्स इज इक्वल टू जीरो पर संतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है। अवकलनीय नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो अस्तित्व के लिए हमारा अवकलनीयता का अस्तित्व के लिए था तो ये हो जाएगा प्रत्येक अवकलनीय फलन संतत होता है लेकिन संतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, ये हम प्रूव कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सांतत्यता, कंटिन्यूटी देखेंगे, यहां फलन से लेते हैं कि f0 पर मान हमारा मॉड में जीरो और इसका मान आ जाएगा जीरो, यानी एक मान हमारा ये आ गया, ये नंबर एक इसमें दे सकते हैं। फिर उसके बाद लेते हैं हम कि f जीरो प्लस की जीरो, यानी कि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो इसमें आएगा f जीरो प्लस के जीरो बराबर लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस के जीरो और ये एफ एक्स हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं कि लिमिट एफ एक्स का मान कितना है, x टेंड्स टू जीरो प्लस के जीरो एफ एक्स का मान है मॉड एक्स है बराबर, या फिर इसको इस तरह से x टेंड्स टू में कर सकते हैं कि x टेंड्स टू जीरो और ये आ जाएगा f x प्लस के x, x टेंड्स टू जीरो f x, x का मान भी जीरो है तो जीरो प्लस के x लिख दिया, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं f जीरो प्लस के h आ जाएगा, f जीरो प्लस के h आ जाएगा, इसका फलन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो और मॉड में आ जाएगा जीरो प्लस के h और जीरो प्लस के h आ जाएगा और यहां से x टेंड्स टू जीरो है तो ये हमारा जीरो आ जाएगा, ये नंबर दो समीकरण आ जाती है हमारा। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें कि f जीरो माइनस के जीरो बराबर लिमिट x टेंड्स टू जीरो और माइनस के जीरो एफ एक्स हो जाएगा बराबर लिमिट x टेंड्स टू जीरो f जीरो माइनस के h लिमिट x टेंड्स टू जीरो मॉड में जीरो माइनस के h बराबर h x पे ही रहेगा और ये क्या आ जाएगा जीरो और ये नंबर तीन। तो समीकरण एक दो तीन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर फलन का मान x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण एक दो और तीन से f जीरो बराबर f जीरो प्लस के जीरो बराबर f जीरो माइनस के जीरो तीनों ही बराबर है, अतः फलन x इक्वल टू जीरो पर संतत है,
एक्स इज इक्वल टू जीरो पर संतत है। ये हमने प्रूव कर दिया है कि जो उदाहरण हमने लिया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स जो हमने लिया है एग्जाम्पल लिया है, इससे हमने प्रूव कर दिया कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर ये क्या है, संतत है। अब हमने अब इसके हम अवकलनीयता के लिए चलते हैं। अवकलनीयता अवकलनीयता के लिए करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब एफ एस जीरो प्लस के जीरो यानी राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकालते हैं। पहले सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव लेने से जीरो प्लस के जीरो, और यहां पर आ जाएगा एफ एक्स माइनस के एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस के जीरो। इसकी डेफिनेशन के अनुसार ये हम लिख सकते हैं। जैसे ही अब इसको हम इसका मान रखेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि f एस जीरो प्लस के जीरो बराबर लिमिट h में ले लेंगे h टेंस टू जीरो। जैसे ही लिमिट h टेंस टू जीरो लेती है तो इस फलन का मान यहाँ पर f जीरो प्लस के h आ जाएगा माइनस के f जीरो, और ये आ जाएगा यहाँ से नीचे आ जाएगा एच एफ डैश लिमिट एच टेंस टू, तो यहां पर जीरो प्लस के एच एफ जीरो अपॉन ये आ जाएगा जीरो प्लस के एच माइनस के जीरो यानी कि एच के बराबर हो जाएगा। अब इसमें और यहां पर एच का मान क्या है, पॉजिटिव है, ये हमारा एच का मान पॉजिटिव है। अब इसमें मान रखते हैं तो बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो, नीचे तो हमारा एच है और यहां पर आ जाएगा एफ एच हो गया माइनस के एफ जीरो। एफ एच होता है एफ एच का मान यहां आगे लिखना चाहे तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ एच का मान है हमारा मॉड एच माइनस के जीरो और अपॉन एच। जैसे ही मोर एच अपॉन एच आ गया तो यहां से लिमिट एच टेंस टू जीरो और यह आ जाएगा मोर एच अपॉन एच और बराबर कितना मान आ जाएगा इसका, वन के बराबर आ जाएगा और ये समीकरण हो जाएगी हमारी चार नंबर की समीकरण बनती है। ये हमने क्या निकाला, ये निकाला हमने राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, कौन से बिंदु पर निकाला है, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ डैश जीरो माइनस के जीरो बराबर लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस के जीरो, परिभाषा से क्या आ जाएगा एफ एक्स माइनस के एफ जीरो अपॉन एक्स माइनस के जीरो बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो लिखना चाहे तो एफ जीरो माइनस के एच और माइनस के एफ जीरो और अपॉन कितना आ जाएगा जीरो माइनस के एच और माइनस के जीरो हो जाएगा। तो यहां तो नीचे संख्या आएगी हमारी आ जाएगी माइनस एच के बराबर आ जाता है बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो यहां पर ये आ जाएगा एफ माइनस के एच माइनस एफ जीरो और अपॉन माइनस के एच बराबर लिमिट एच x का ही चल रहा है लिमिट x टेंस टू जीरो यहां से मोड में आ जाएगा x अपॉन माइनस के h बराबर माइनस वन, ये नंबर पांच समीकरण आ जाती है।
एक चार नंबर यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव, एक पांच नंबर यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अतः समीकरण चार और पांच से, चार और पांच से हम देखते हैं इनके मान बराबर नहीं है, यानी कि चार और पांच से हमने निष्कर्ष ये निकाल दिया f डैश जीरो प्लस जीरो इज नॉट इक्वल टू f डैश जीरो माइनस के जीरो, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो हमारा आ रहा था एक के बराबर आ रहा था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस एक के बराबर आ रहा है, अर्थात ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है, इसका मतलब फलन इस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। फलतः दिया फलन बिंदु x इक्वल टू जीरो पर अवकलनीय नहीं है, यानी ये हमने प्रूव कर दिया कि कोई भी अवकलनीय फलन जो आवश्यक पाठ में हमने किया था कि कोई भी अवकलनीय फलन आवश्यक रूप से संतत होता है, लेकिन संतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमने इस उदाहरण से देख लिया, इस उदाहरण में हमने एक फलन लिया और फलन को x इक्वल टू जीरो पर संतत है, लेकिन हम पाएंगे कि x इक्वल टू जीरो पर ये अवकलनीय नहीं है, तो ये प्रमेय हमारी सिद्ध होती है। धन्यवाद।